हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि ये जो गेम है सम्राट, ये इंडिया का बहुत ही फेमस एक बोर्ड गेम है। एक्चुअली इस टाइप का गेम इंडिया में बहुत ही कम है, बाहर में बहुत ज़्यादा गेम है इस टाइप का, जैसे काटान है, टिकट राइट है, बहुत सारा गेम है जो यूरो स्टाइल बोर्ड गेम है, मगर हमारे इंडिया में ऐसे गेम बहुत ही कम है। और ये इतना मज़ेदार गेम है कि अगर एक बार आप खेला शुरू करो ये, तो आप नहीं रुक सकोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक गेम है। तो आज मैं ये वीडियो दोनों लैंग्वेज में दूंगा, हिंदी में इंग्लिश में। ये पहले बार हो रहा है कि किसी भी बोर्ड गेम का जो रिव्यू है इंडिया में हिंदी में और इंग्लिश में आ रहा है, तो यही है इस वीडियो का यूनिक। ओके, तो दिस इज़ द मोस्ट फेमस बोर्ड गेम नोन एज सम्राट, एंड इट्स ओरिजिन इज ऑल्सो इन इंडिया, विच इज़ वेरी प्राउड फॉर एवरी इंडियंस। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। ओके, तो हम लोग ये बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ओके, बहुत ही अच्छा है ये बॉक्स, ये देखिए। ये है पीछे वाला हिस्सा, ये वाला आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इसको ओपन करते हैं। हाँ, और ये जो गेम है इसमें से हम लोगों को बहुत सारा सीखने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बिकॉज इट्स ए एजुकेशनल टॉय, एजुकेशनल गेम सम्राट। ओके, पहले जो हम लोग देख रहे हैं ये एक वेलकम नोट है दोस्तों, इसमें जो इस गेम को जो प्रिपेयर किया किट की, उसको बहुत सारा धन्यवाद ऐसे गेम हम लोगों को देने के लिए। उसके तरफ से ये वेलकम नोट है, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर दैट ये और भी कुछ गेम्स है आप खरीद सकते हैं, जैसे थ्री स्टेक्स, एस्केप व्हील्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद है इसका रूल, गेम का जो रूल, देखिए कितना अच्छा रूल बुक है, इसमें सब डिटेल्स में है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे यू कैन गेट एवरीथिंग यू नीड इन दिस रूल बुक, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी एंड इलाबोरेटेबल रूल बुक, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो दिस इज द रूल बुक। आफ्टर दैट वी आर गोइंग थ्रू द गेम। तो इस गेम में क्या है, चार प्लेयर इस गेम को खेल सकते हैं, फोर प्लेयर्स कैन प्ले दिस गेम। ओके, सो दिस आर द ऑल नेम्स ऑफ दिस किंग्स, ये मोहम्मद घुरी है, पृथ्वीराज चौहान है, किसी को भी आप ले सकते हैं। ये राजा जयचंद है, इसके बाद है राजा भीमदेव टू, राजा भीमदेव टू। हर एक जो किंग है, हर एक का एक एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटी है जो आपको जब प्ले चलेगा आपको ये फायदा देगा, तो ये चार प्लेयर के लिए है। उसके बाद है गेम बोर्ड, ये गेम बोर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं ये लेमिनेशन कर चुका हूँ गेम बोर्ड को, ये बहुत ही बड़ा है, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट है ये। ये मेरा कैमरा में तो इतना नहीं आ रहा है, मगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बिग है। देखिए बहुत ही अच्छा है यार, कितना अच्छा ग्राफिक्स है इसका। तो इसका जो मटेरियल्स है, जो पिच बोर्ड है, ये बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड है, वन साइड बोर्ड है, ये बहुत दिन चलेगा, ये लॉन्ग लास्ट करेगा, सो आई थिंक इट शुड लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग डेज। ओके, आफ्टर दैट द गेम कॉम्पोनेंट्स। ओके, इसके अंदर क्या क्या है। ओके, ये दोस्तों इसके साथ नहीं आया, ये जस्ट मैंने डीलर के हिसाब से रखा है, प्लेयर के हिसाब से, तो ये तो जस्ट एक कैरम स्ट्राइकर है। अच्छा, इसको दूर हटा देते हैं। अब क्या है, पहले है ये जो किंग को इंडिकेट करता है, पॉन्स, किंग पॉन्स। ओके, द ग्रीन वंस, तो ग्रीन किसके लिए है, ये जो राजा जयचंद जो लेंगे, इसके देखिए नील नील कलर है, तो इसके लिए सॉरी, ये ग्रीन कलर है, तो इसके लिए ये ग्रीन पॉन्स। ओके, वैसे ही करके येलो कलर्स राजा भीमदेव टू का है, उसके बाद है रेड कलर्स जो राजा पृथ्वीराज चौहान का है, उसके बाद थे ये ब्लू कलर्स जो मोहम्मद घुरी है। ओके, और उसके साथ एक बहुत ही सुंदर एक डाइस मिलेगा। ओके, सिक्स साइडेड डाइस जो रेगुलर होता है, मगर ये ऊंट का बना हुआ है। ओके, उसके बाद और सारा कंपोनेंट है यहाँ पे, इस गेम में बहुत सारा कंपोनेंट है। ओके,
दिस आर द क्विक रूल कंपोनेंट, क्विक रूल सीट्स, हर एक को एक मिलता है, हर एक प्लेयर को एक मिलता है। ओके उसके बाद है जो गेम कंपोनेंट्स, वो है इसका जो आर्मी यूनिट्स। ओके ये देखिए कैवलरी, ये एक है कैवलरी। उसके बाद है स्वॉर्ड्समैन जो पैदल जाते हैं, जो तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है इसका ग्राफिक्स। ओके स्वॉर्ड्समैन, स्वॉर्ड्समैन के बाद है एलिफेंट यूनिट्स। ओके उससे पहले ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद घुरी के साथ हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ओके तो इस गेम का जो खासियत है, ये हम लोगों का हमारा इंडियन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। ओके इट्स टेल्स द इंडियन हिस्ट्री एंड इट विल बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर प्लेइंग। ओके सो दीज आर द एलिफेंट यूनिट्स, ये एलिफेंट यूनिट्स है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मिलेगा तीन रिसोर्स यूनिट, जो है सोना है पहले वाला गोल्ड, ओके जो बहुत ही महंगा है। उसके बाद है पत्थर स्टोन, ये सब स्टोन है। उसके बाद है वुड्स काठ, वुड ये हम सब लेमिनेशन कर चुके हैं, क्योंकि मुझे ये गेम तो बहुत ही अच्छा लगता है यार, बहुत दिन तक मुझे ये खेलना है इसलिए। और सबसे बड़ा खासियत ये है कि आप कभी भी किसी भी उम्र के आदमी से ये खेल सकते हैं, आप बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सब खेल सकते हैं, इसका मजा ले सकते हैं। अच्छा और एक बात, यहाँ पे कुछ फॉर्चून कार्ड भी है, ये जो गेम का पूरा सिचुएशन भी बदल देगा। ये फॉर्चून कार्ड आप खरीद सकते हैं यहाँ से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद जो है बहुत सारा टोकेंस है, ये है स्टार टोकेंस, क्योंकि सब कुछ इस गेम में ये स्टार के लिए होता है। जो किंग पहले 7 स्टार एक्वायर कर लेगा वो जीत जाएगा, 4 प्लेयर्स के, और 2 और 3 प्लेयर्स के लिए 5 स्टार। ओके उसके बाद है कैंप टोकेंस, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैंप टोकेंस क्या है। कुछ नहीं, जो स्टोन है स्टोन कैंप के लिए, ये स्टोन कैंप टोकन। उसके बाद है गोल्ड कैंप टोकेंस, ये गोल्ड के लिए, ये देखिए। उसके बाद है वुड कैंप टोकेंस, अगर ये कैंप रहेगा वुड कैंप रहेगा तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसमें से आप एक वुड ले सकते हैं, वुड रिसोर्स ले सकते हैं, मतलब ये वाला। तो मैं बाद में एक वीडियो में इसका डिटेल्स भी आप लोगों को बताऊंगा, मगर इस वीडियो में मैं जस्ट जो व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स ऑफ सम्राट यही बोल चुका हूँ, तो आप लोग देख चुके हैं। वंस अगेन वेरी वेरी मच थैंक यू वेरी मच टू किटकी, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड एन एक्सेलेंट गेम फॉर आवर एंटरटेनमेंट। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस रिव्यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके थैंक्स।